हैलो एबी वन ऑल सो व्हाट्सअप यू ऑल गाइस मी बैक अगेन या सो फर्स्टली आई एम स्टार्टिंग में द पॉन्स मॉइस्चराइजर जो मैंने अप्लाई कर लिया था उसके बाद मैंने लिया है ब्लू हेवन का फाउंडेशन उसको भी फटाफट से ब्लेंड कर देंगे पता नहीं क्यों ये सब वाइट का हादसा लग रहा है मेरे को लेकिन कैमरा में ऐसा लग रहा है लेकिन रियल लाइफ में यह मैं स्किन से एकदम मैचिंग वाला है आई डोंट नो ऐसा क्यों लग रहा है कैमरा में मे बी बिकॉज ऑफ रिंगलाइट सो so, फटाफट से इसको ब्लेंड कर रहे हैं हम लोग नेक को कभी नहीं भूलना बिकॉज अलग नहीं लगना चाहिए हमारा फॉर मैं खुद भूल गई थी उसके बाद फिर बाद में लगा रही हूँ मेरे को याद है कि नेक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मैंने उसके बाद फटाफट से सेट करके लिया था फिर उसके बाद कंसीलर लगा रही है मार्स का कंसीलर है आपको रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना इसको भी फटाफट से हम लोग ब्लेंड कर लेंगे नोज़ की तरफ सब अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हम कंसीलर को फिर उसके बाद हम ब्लश के तरफ बढ़ेंगे जो मैंने ब्लश यूज़ किया था ये एक्चुअली एक लिपस्टिक थी मेरे को याद नहीं आ रहा है एक्चुअली मैं कौन सी लिपस्टिक थी रोज की कोई लिपस्टिक थी ये और इसका बहुत अच्छा शेड है एक्चुअली ये मेरे से बहुत लाइक मेरे को फेड आउट कर रही थी लिपस्टिक तो मैंने एज अ ब्लश यूज़ करना स्टार्ट किया लिपस्टिक और बहुत सुंदर से लिपस्टिक का शेड है ये आप देख सकते हो कितना मस्त सा शेड लग रहा है ये ब्लश का और अगर आप सोच रहे हो कि मैं रेडी क्यों हो रही हूँ तो ये ऐसे ही जस्ट में सही रेडी हो रही थी आज मेरा मन कर रहा था थोड़ा मेकअप करने का और हम लोग ये कहाँ पे भी नहीं जा रहे मेकअप करके तो मैं इसको बाद मैं निकाल दूंगी खुदी। मैं में निकाल दूँगी खुद ही यहाँ पर मैं देखती हुए मिररर में कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है अच्छा क्योंकि आई डोंट नो लाइटिंग का कुछ इशू था फिर तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एसेफा ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट लिया उसमें से वो जो शेड था ना स्किन टोन वाला वो यूज़ कर रही हूँ मैं सबसे पहले उसको आइस पे डालूँगी ताकि आई सेट हो जाए क्योंकि हमने कोई कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं किया उसको सेट करने के लिए तो मैं वही पाउडर यूज़ कर रही हूँ आई सेट करने के लिए उसके बाद मैंने क्या ब्राउन टोन एकदम लाइट वाला जो रहता है वो यूज़ कर रही हूँ आप देख सकते हो वो यूज़ किया मैंने सिर्फ अपने वो एज क्रीज के लिए डिपॉजिट और जो लाइट शेड हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ किया है ट्रांजिशन शेड के लिए आप देख सकते हो इस टाइम तक मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था मैं बस ऐसे कलर लेते जा रही थी डिपॉज़िट करते जा रही थी कुछ आइडिया नहीं था मैं क्या कर रही हूँ फिर जैसा लेकिन क्रिएट हुआ ना अच्छा लग रहा था आप देखते जो अभी उसके बाद मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन लिया है और उसको आउटर वी में डाला है मैंने और हाफ क्रीस तक उसको ब्लेंड किया प्रीवियस वाले ब्राउन शेड के साथ वो ऐसा मैंने ट्रांजिशन शेड जो लिया था उसके साथ मैं ब्लेंड करते जा रही हूँ उसको आप देख सकते हो कितना अभी से ही थोड़ा थोड़ा वो दिखना चालू हो गया है कलर उसके बाद मैंने थोड़ा और डार्क शेड लिया है आप देख सकते हो उसको मैंने प्रीवियस वाले ब्राउन शेड के साथ जो टेराकोटा शेड था उसके साथ मर्च किया है अभी तो आप देख सकते हो जो प्रॉपर ब्राउन शेड है वो लिया मैंने और उसको आउटर वे में थोड़ा सा डैप किया थोड़ा सा ही किया फिर उसके बाद ब्लेंड कर दिया है फिर मैंने वापस से वो त, आ, स्किन टोन वाला शेड लिया हुआ है पीच वाला उससे मैं अपने फ्रंट साइड वाले आईज़ में लगाऊँगी ताकि ऐसे आगे का एकदम ऐसे जो स्किन शेड था वही दिखे और वी शेप में दिखे उसके बाद मैंने काजल लिया हुआ है ये एन वाई बे का कोल है ब्लैक शेड में और इसके मैं अपने लैश लाइन के एकदम क्लोजली अप्लाई कर रही हूँ मेरे को एज अ काजल यूज़ नहीं करना है इसको इसको बस मैं थोड़ा फेड आउट कर दूंगी अब मैंने ये आ, फ्लैट टॉप ब्रश लिया हुआ है उससे मैं उसको थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ थोड़ा सा से विंग लाइनर शेप दे रही हूँ थोड़ा सा आप देख सकते हैं मैं ज़्यादा काजल अप्लाई नहीं किया हुआ है थोड़ा सा फिर उसके बाद मैंने एक डोम शेप का ब्रश लिया हुआ है जो एकदम फ्लफी सा नहीं थोड़ा सा स्टेप सा है उससे मैंने आ, नीचे की वॉटर लाइन को भी करके लिया है वही ब्राउन शेड से जो सबसे लाइट वाला ब्राउन नहीं था जो हमने स्टार्टिंग में लगाया था उससे थोड़ा सा शेड दिया हुआ है नीचे उसके बाद ब्राउन्सिंग कर रही हूँ वही पैलेट से और ये पैलेट ये एकदम पैलेट एकदम वर्सेटाइल वाला पैलेट है इससे नहीं कि आप ब्राउनसिंग कॉन्टोरिंग सब कर सकते हो आराम से देख सकते हो आप मैं वही पैलेट से कॉन्टोरिंग भी कर रही हूँ थोड़ा सा और वही पैलेट से एक बार वापस से ब्लश अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि पूरा फेड आउट हो गया था वो ब्लश वही पैलेट से आईब्रो भी बना रही हूँ मैं आप देख सकते हो कितना वर्सेटाइल पैलेट है ये अभी मेकअप फिक्सर स्प्रे कर रही हूँ ये मार्स का मेकअप फिक्सर है और एक ब्यूटी ब्लेंडर से पूरा ब्लेंडिंग कर ले रही हूँ उसको स्किन में डाल दे रही हूँ और ये इनसाइड के मैं इंक ले रही हूँ लाइक जो एज आ लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही इन इनसाइड की यह लिपस्टिक है और इसका शेड बड़ा ही अजीब सा था मेरे को मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है लिपस्टिक लेकिन ये इतना जा नहीं रहा था मेकअप के साथ तो इसके ऊपर मैंने वही आई शेड पैलेट में से ब्राउन शेड लिया हुआ था जो डीप ब्राउन था वो लिप्स के ऊपर लगा दिया और हाइलाइटर के लिए मैंने थोड़ा सा नहीं किया फिक्सर यूज किया है ब्रश पे हाइलाइटर यूज किया वही पैलेट में से हाइलाइटर भी यूज किया है हाई पॉइंट्स पर लगा देंगे हाइलाइटर को एंड दैट्स इट बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग